हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग तो बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया को कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्राइवेट बैंक्स के बारे में प्राइवेट बैंक्स देखिए जब हम लोग सुनते हैं तो प्राइवेट बैंक्स के बारे में दो तीन चीज़ें हमारे माइंड में आती है एक तो ये होता है कि दे आर मोर प्रोफेशनल हम जब एक्सिस बैंक या एच बैंक या आई बैंक में जाते हैं तो हमको लगता है दे आर मोर प्रोफेशनल दैन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स वहाँ पर भीड़ कम होती है उसके बाद में वहाँ पर चीप इंटरेस्ट रेट्स होते हैं यदि आप हाउसिंग लोन्स वगैरह लेने जाएंगे तो उनके जो इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा कम होता है पब्लिक सेक्टर बैंक से लेकिन एक ऐसी भी फीलिंग होती है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में जो नेशनलाइज बैंक में पैसे रखना ज़्यादा सेफ होता है ऐसी भी एक फीलिंग होती है तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को लेकर तो जैसे मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में बैंकिंग के वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक वन इज़ ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या है हम लोग देखेंगे तो so, इनको ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे एग्जिस्टेड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ नेशनलाइजेशन बट दे वर नॉट नेशनलाइज्ड ड्यू टू देयर स्मॉल साइज और अदर रीजनस मतलब ये ऐसे बैंक्स थे जो मैंने आपको बताया था न कि बाई नाइनटीन ट्वेंटीज़ या नाइनटीन थर्टीज इंडिया में बारह सौ से अधिक प्राइवेट बैंक्स थे छोटे छोटे प्राइवेट बैंक्स उसमें से सारे नेशनलाइज नहीं हुए थे तो कुछ कुछ बैंक्स इंडिपेंडेंस के बाद भी कंटिन्यू हुए और उनको नेशनलाइज़ नहीं किया गया और वो प्राइवेट सेक्टर में ही रहे दैट इज़ देयर ओनरशिप ऑस प्राइवेट एंड टूडे ऑल्सो ट्वेल्व सच बैंक्स आर रनिंग इन इंडिया आज भी ओल्ड ट्वेल्व प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रन कर रहे हैं और इनको ओल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेशनलाइजेशन के टाइम में इसका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था और नेशनलाइजेशन के बाद जो बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए थे और उसके बाद जो बैंकिंग लाइसेंस दिए गए थे उनको हम न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बोलते हैं बस इतना ही फर्क है सो दीज बैंक्स दे गॉट बैंकिंग लाइसेंसेस आफ्टर बैंकिंग रिफॉर्म्स ऑफ 1949 उसके पहले दे वर वर्किंग एज सम कंपनी कंपनी लॉ के तहत वो रजिस्टर्ड थे फिर इन बैंक्स को बैंकिंग रिफॉर्म्स के अंडर में बैंकिंग लाइसेंसेस मिला एंड देन दे कंटिन्यूड एट प्रेजेंट देर आर ट्वेल्व ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और ट्वेल्व ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक के एग्जाम्पल हैं यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं जैसे सिटी यूनियन बैंक है फेडरल बैंक है लक्ष्मी विलास बैंक है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है ये चार यहाँ पे एग्जांपल है और भी पुराने नाम हैं वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं जैसे कैथोलिक सीरियन बैंक धनलक्ष्मी बैंक जम्मू एंड कश्मीर बैंक कर्नाटका बैंक नैनीताल बैंक रत्नाकर बैंक साउथ इंडियन बैंक तो ये और भी अन्य नाम हैं ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के उसके बाद में आ जाइए हम देखते हैं व्हाट इज़ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक जो थे जैसे मैंने बताया बैंकिंग रिफॉर्म्स के बाद में जो न्यू लाइसेंसेज इशू हुए थे नेशनलाइजेशन के बाद बैंकिंग रिफॉर्म फर्स्ट बैंकिंग रिफॉर्म हुआ था नाइनटीन में उसके बाद में न्यू लाइसेंसेज इशू हुए थे एंड दोज बैंक्स वर नोन एज़ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो फर्स्ट राउंड ऑफ लाइसेंसिंग हुआ था आफ्टर 1993 रिफॉर्म्स एंड दिस रिफॉर्म्स वेर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी बाय श्री नरसिम्हन सो so, नरसिमहन कमिटी ऑफ 1991 हैड सबमिटेड अ रिपोर्ट इन द वेक ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इसके भी बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे लेकिन अभी आपको सिर्फ यहाँ इतना याद रखना है कि नरसिमहन कमिटी नाइनटीन जो फर्स्ट नरसिम्हन कमिटी थी उसके रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर 1993 में टोटल सिक्स बैंक्स को लाइसेंस इशू हुआ था तो उसमें से फर्स्ट बैंक थी एक्सिस बैंक जो आज भी फंक्शन करती है सेकेंड वॉज डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक डी सी बी बैंक देन एच डी एफ सी बैंक आई सी आई सी आई बैंक इंडस इंड बैंक एंड आई डी बी आई बैंक अब देखिए आई डी बी आई बैंक यहाँ पे मैंने प्राइवेट सेक्टर में इसलिए डाल के रखा है क्योंकि इनिशियली जब इसको लाइसेंस इशू हुआ था आफ्टर नाइनटीन नाइन्टी थ्री उस टाइम पर यह गवर्नमेंट बैंक थी ओके यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दिस वॉज गवर्नमेंट बैंक एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ लाइसेंस इन नाइनटीन नाइनटी थ्री हाउ एवर रिसेंटली इन टू थाउजेंड नाइनटीन एल आई सी ऑफ इंडिया ने इसको टेक ओवर कर लिया है एल आई सी ऑफ इंडिया ने इसका मेजर शेयर होल्डिंग है और अभी ये गवर्नमेंट बैंक नहीं रही है दिस इज़ नाउ अ प्राइवेट बैंक बिकॉज एल आई सी का भी प्राइवेटाइजेशन हो गया है इसलिए यह प्राइवेट बैंक के लिस्ट में अभी एडेड है इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार कर करके रखा हुआ है सो दिस ओरिजिनल फाइव प्राइवेट सेक्टर सेक्टर लाइसेंस विच वॉज लेटर प्राइवेटाइज देन देर वॉज अड राउंड ऑफ लाइसेंसिंग नरसिमहन कमिटी टू के रिकमेंडेशन पे बिकॉज अगेन टू इम्प्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन और मतलब रिफॉर्म्स के लिए जो नरसिमहन कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था नाइनटीन नाइनटी एट में उसके तहत दो और बैंक को बैंकिंग लाइसेंसेज इशू हुए थे उसमें से एक है कोटक महिंद्रा बैंक कोटक बैंक एंड आर स्टिल फंक्शनिंग अगेन टूडे एंड देनिटी रिकमेंडेड राउंड ऑफ लाइसेंसिंग जिसके तहत आई डी एफ सी बैंक एंड बंधन बैंक ये दो बैंक को बैंकिंग लाइसेंसेस इशू हुए हैं सो एज ऑन टूडे देर आर टोटल टेन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक विच आर रनिंग इन इंडिया अपार्ट फ्राम दिस ओल्ड ट्वेल्व प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ टाइमलाइन बता देना चाहता हूँ कि बैंकिंग रिफॉर्म्स कैसे कैसे हुए कैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को लाइसेंसेस इशू किए गए तो 1993 में जैसे मैंने बताया टेन न्यू बैंक्स वर गिवन लाइसेंसेस ऑफ विच सिक्स आर करंटली एग्जिस्टिंग मैंने यहाँ पे जो आपको छः नाम बताए तो एक्चुअली टोटल उस टाइम पे जो बैंकिंग लाइसेंस दिए गए थे वो टेन बैंक्स को दिए गए थे बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बैंक्स इन बैंक्स में मर्ज हो गई मतलब कुछ बैंक एच डी एफ सी में टेक ओवर कर ली कुछ कुछ बैंक क्लोज हो गई तो उस तरह से अभी टोटल उसमें से सिक्स बैंक्स आर एग्जिस्टिंग एंड उस टाइम पे जो रूल था कि द प्रमोटर्स ऑफ द बैंक प्रमोटर्स मतलब बेसिकली जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने वो बैंक ओपन की थी जिनका पैसा था जो प्राइवेट प्लेयर्स थे दे हैड टू ब्रिंग हंड्रेड करोड़ ऑफ कैपिटल सो द पेड ऑफ कैपिटल इसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल ओके पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट वॉज हंड्रेड करोड़ दैट इज दीज इन्वेस्टर्स दे हैव टू ब्रिंग हंड्रेड करोड़ ऑफ पेड अप कैपिटल विच इज देयर एसेट्स देयर पेड अप कैपिटल उसके बाद में 2001 में सेकेंड नरसिम्हन कमेटी 1998 के रिकमेंडेशन के हिसाब से 2001 में फिर से जो न्यू बैंक लाइसेंस इश्यूज हुए थे उसके अंदर में जो पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट था वो दो सौ करोड़ कर दिया गया था टाइम के साथ में देखिए कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुआ है फिर 2010 टेन में आर ने और एक नया रूल लाया था और उसमें लाया था कि द बैंक्स वेर मैंडेटेड टू बी सेटअप थ्रू अ ओन्ड नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी जिसको एनओ बोलते हैं एंड दिस कंपनीज हैव टू होल्ड फोर्टी परसेंट ऑफ कैपिटल एंड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वॉज रेज टू फाइव हंड्रेड करोड़ तो टू थाउजेंड वन से टू थाउजेंड टेन में देखिए दो सौ यहाँ पे दो सौ करोड़ से पाँच सौ करोड़ कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गया एंड नाउ द बैंक्स द प्राइवेट बैंक्स कुड भी सेटअप ओनली थ्रू एन एन ओ एफ एच सी एन ओ एफ एच सी का मतलब है नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी मतलब ये एक तरह की एन बी एफ सी होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ज टू होल्ड फोर्टी परसेंट शेयर होल्डिंग शेयर होल्डिंग इन दिस बैंक ओके सो दिस वॉज एन आर बी आई रूल विच वॉज मेड इन टू थाउजेंड टेन फिर टू थाउजेंड सिक्सटीन ने आरबीआई ने एक नई फैसिलिटी ओपन की जिसको बोलते थे ऑन टैप लाइसेंसिंग ओके आरबीआई डिसाइडेड टू इशू ऑन टैप लाइसेंसिस टू रेसिडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स हैविंग टेन ईयर्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस एक्सपीरियंस जैसे मैंने यहाँ पे बताया 2010 में आर ने बोला था कि एन के थ्रू ही आ, बैंक्स वे आर मैंडेटेड टू बी सेटअप होली बाय अ होली ओन एन ओ में आर ने एक नया रूल आया और उसमें बोला कि एनी रेसिडेंट्स मतलब इंडिया के रेसिडेंट्स या प्रोफेशनल्स जिनको दस साल से ज़्यादा बैंकिंग या फाइनेंस में एक्सपीरियंस है वो लोग अपना बैंक ओपन कर सकते हैं एंड दे कैन गेट अ लाइसेंस थ्रू ऑन टैप मैकेनिज्म ऑन टैप का मतलब होता है कि द आर बी आई विल रिसीव एंड ग्रांट एप्लीकेशन थ्रू आउट द ईयर ओके पूरे साल वो विंडो ओपन होगा बैंकिंग uh, के लाइसेंसेस रिसीव करने के लिए एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए एंड आर बी आई टू ग्रांट द लाइसेंसेस उसको ऑन टैप सिस्टम बोलते हैं देन टू थाउजेंड नाइनटीन में RBI brought a new concept न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ठीक है देर वॉज अ न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इट वॉज अगेन लाइसेंसिंग थ्रू ऑन टैप मीन्स विद अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ टू हंड्रेड करोड़ ओके तो टू थाउजेंड नाइनटीन में कुछ स्मॉल बैंक्स स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक्स आर बी आई ने ओपन करने के लाइसेंसेस इशू किए और उसमें जो मिनिमम पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट था विच इज टू हंड्रेड करोड़ उसमें से अभी कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी रिसेंटली ओपन हुए हैं आर ने उनको लाइसेंसेस इशू किया है उसके एग्जाम्पल है यू एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड देन श्री पंकज वैश एंड अदर्स इट इज़ अगेन 2022 में ये सब ओपन हुए हैं फिर थर्ड नाम है रीपेट्रिएट्स कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड विच इज़ नोन एज रेपको एंड चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड 2022 में ये चार स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को आर ने लाइसेंसेज इशू किए हैं विच आर अगेन प्राइवेट सेक्टर बट दे आर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स विथ पेड अप कैपिटल ऑफ टू थाउज टू हंड्रेड करोड़ रुपीज सो दिस वॉज अबाउट द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैंकिंग सेक्टर के बारे में और कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे थैंक यू